वहीं बजट पेश करने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट गरीबों का है, साथ ही इस बजट से आने वाले 25 सालों की दिशा तय होगी। में हमने जो विशेष कुछ बातों पर फोकस किया है उसमें एक तो गरीब लोगों के लिए ये बजट यानी आम साधारण व्यक्तियों के लिए बजट, जैसा मैंने कहा कि सामान्यतः लोग कहते हैं कि हम गरीब व्यक्ति तक पहुंचेंगे, मैं ये कहता हूं कि हमने गरीब व्यक्ति से ही शुरू किया है और जो अपना परिवार पहचान पत्र का ये डाटा है इस डाटा के आधार पर हम नई नई योजनाएं सब शुरू कर रहे हैं कि उन गरीब व्यक्तियों को किस प्रकार से लाभ मिले। दो वर्ष में एक बार जो ये गरीब परिवार हैं इनकी निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच, और एक बहुत बड़ा काम ऐसा हो गया, वरना इसके कारण से लोगों को पता ही नहीं लगता कौन बीमार है कौन नहीं है, क्या तकलीफ है, थोड़ी तकलीफ बढ़ जाती है फिर वो परेशान होते हैं। तो ठीक करने का विचार किया है और उन व्यवस्थाओं के आधार पर यदि हम लोगों के रहन सहन का लिफ्ट अपलिफ्ट करें तो वो कैसे सुधरे। किसी को फ्री में दे देना ये एक बात है, अगर उसको उसके पैरों पर खड़ा कर दिया जाए तो ये उससे बड़ी बात है। हालांकि एक संस्कृति चली है इस देश में कुछ एक फ्री बीज का, और फ्री बीज घोषणा करने वाले कर तो रहे इक्का दुक्का जगह, थोड़ा बहुत लाभ भी उनको मिल रहा होगा लेकिन देश के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है। जनत में यह है कि सबको उद्यमी बनाओ, उद्यमी अगर आप बनाएंगे तो फिर अपने पैरों पर खड़ा होगा, और बाकी सहायता सहयोग के लिए हम अन्य व्यवस्थाएं यानी व्यवस्थाएं खड़ी करें। अंत्योदय यानी अंतिम का उदय, इस पर मैंने सारा अपना विषय पूरा रखा है कि हमारे लिए पहली कैटेगरी 1,80,000 की, फिर इसके बाद एक दूसरी कैटेगरी भी हम बीच में लेकर के आएंगे, उस पर अभी तय करना है कि मध्यम वर्गीय परिवार उसको क्या क्या सुविधा ली जाए। सबसे ज़्यादा सुविधा है अंत्योदय परिवार, उसके बाद मध्यम परिवार, और फिर जो संपन्न परिवार हैं वो अपने पैरों पर अपने आप खड़े हों। मुझे सब ने कहा भी कि जो संपन्न परिवार है उनसे तो कुछ ले अभी जा सकता है, लेकिन जिसको देना है रोटी कपड़ा मकान वो तो सामान्य परिवार को देना है।